अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफा जुलेखा किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं इमली और गुड़ का जो प्याज का कचुंबर होता है। बहुत रिक्वेस्ट आती है कि वो वाला कचुंबर डालें, वो जो हम पुलाव के साथ जो खाते हैं ना, वही वाला। तो आज चलिए वो बनाते हैं क्विकली, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कचुंबर बनाते हैं आज का। चलिए, ये आधे कप से कम इमली, पूरा भर के मैंने नहीं लिया है इमली, और इसको मैंने धोया नहीं है। आप चाहें तो धो भी सकते हैं, एक बार पानी से धो लीजिएगा। और ये आधे कप से कम ही है गुड़, इसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, और ये 3/4 कप पानी है। एक बार दोनों को मिक्स कर लीजिए और ढक कर साइड पर रहने दीजिए आधे पौने घंटे के लिए। तब तक यहाँ पर मैं दूसरी प्रिपरेशन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है और उसे एकदम बारीक काट लीजिए। अच्छा, मैंने इमली और गुड़ को एक साथ भिगाया, क्योंकि यूजुअली मैं ऐसे ही करती हूँ, बट आप चाहें तो इमली को आप भिगा लीजिए, फिर बाद में जब पानी पल्प निकाल ले, इमली के गूदा निकल जाए पूरा, उसके बाद आप ये डाल सकते हैं गुड़, बट मैं वैसा नहीं करती हूँ। चलिए, ये सारी प्याज कट चुकी है, तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अभी यहाँ ना, सबसे पहले तो हाथों की मदद से अच्छे से इस तरीके से मसलते जाइए, तो नीचे जो गुड़ है उसे आप मसलते जाइए, इमली भी थोड़ी सी इसका गूदा निकलते जाएगा। अच्छा, लेकिन है ना, मुझे इमली थोड़ी सी अभी भी सख्त लग रही है, अभी भी थोड़ी और सॉफ्ट होनी बाकी है, तो मैं सोच रही हूँ 15-20 मिनट और इसे तकरीबन रहने दो ढक कर फिर से। तो समझिए ना, टोटल मैंने इसे एक घंटा रखा है। इमली इसमें अब और बहुत अच्छी सॉफ्ट हो गई है, तो एक बार सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए हाथों की मदद से। मेरे हाथ धोए हुए हैं, साफ है। अच्छा, अब ये जो इमली है ना, इसे निचोड़ निचोड़ के बहुत अच्छे से निचोड़ लीजिए और इसका गूदा निकाल लीजिए इस तरीके से। जब आप इमली निचोड़ोगे तो बाय दिस टाइम तो गुड़ तो पूरी तरीके से पिघल चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस इमली निचोड़ निचोड़ कर साइड पर रखते जाए। चलिए, सारी इमली मैंने निचोड़ ली है, मैं आपको पानी एक बार चलाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, एकदम सिर्फ पानी मिला ना हमें गुड़ और इमली का, तो ये हो गया हमारा काम आसान। और इसे फेंक दीजिए जो आपने एकदम निचोड़ा है इमली को। ये अपनी जो प्याज थी हमने साइड पर काट के रखी, ये सारी डाल दीजिए इस तरीके से इसके अंदर। मैं यहाँ एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, हरी मिर्च को ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन डालिएगा ज़रूर। और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया, आधा छोटा का चम्मच भुना और पीसा हुआ जीरा पाउडर डाल दीजिए, चुटकी भर नमक भी डाल दीजिए नॉर्मल वाला, और ये है 1/4 छोटा का चम्मच काला नमक। ये सारी चीज़ों को डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और ये लो, बन गया हमारा गुड़ इमली का प्याज वाला कचुंबर। बढ़िया से सर्व कीजिए पुलाव के साथ। ये देखिए, मैं टेस्ट कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको ये कचुंबर बहुत ज़्यादा गाढ़ा अच्छा नहीं लग रहा और पतला खाना चाहते हैं, तो आप 1/4 कप के बजाय 1/4 कप पानी में इमली को भिगाने रखिएगा। मुझे परफेक्ट लग रही है, आपको कुछ अच्छा करने जैसा लगे तो ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे नमक और हरी मिर्च हैं। अच्छा, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खटास ज़्यादा हो गई है, तो आप थोड़ी सी शक्कर डालकर उसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तब तक मिक्स कीजिए जब तक है ना पूरी तरीके से पिघल नहीं जाती, और उसके बाद एक बार चला के फिर सर्व कीजिएगा। अब अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा मीठा हो गया है, तो थोड़ी सी इमली को थोड़े से पानी के अंदर भिगाने थोड़ी देर रख दीजिए, फिर उसको बहुत थोड़ी देर के बाद अच्छा निचोड़ कर, फिर वो जो पल्प मिलेगा वो इसमें डालकर एक बार मिक्स कर फिर सर्व कीजिएगा। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो ये वाले वीडियो को लाइक कीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।